अपने बारे में सोचता नहीं, हमारे बारे में तो सोचा कर। तू जानता नहीं कितना प्यार करते हम तुझसे। बेवकूफ लड़का, गॉड प्लीज हेल्प, भगवान बचा ले, से बचा ले प्लीज। बेटे ये जरा रख लेना। हाँ थैंक यू, ये लो बेटे। माँ मैं घर नहीं जाऊंगा। घर नहीं जाएगा क्यों? अब तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ी आराम की जरूरत है, और आराम करने के लिए घर से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। अबे एक बात कहूं, तेरे बिना घर घर नहीं लगता। चल उठ। नहीं माँ पापा, मुझे सच मुझे क्रिमिनल एक गुंडा समझते हैं। जिन आंखों में बचपन से मैं अपने लिए प्यार देखता है उनमें अब मुझे साबित करना है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। और अगर मैं ये नहीं कर सका तो मैं घर कभी नहीं आऊंगा। माँ इसे किसी की परवाह नहीं, कोई जिए या मरे। What does he think of himself? हम जी लेंगे, जी लेंगे हम। संजना तुम्हें क्या लगता है, मैं मम्मी पापा से अलग रहकर खुश हूं, खुश रह सकता हूं? राणा ने बड़ी चालाकी से मुझे और मेरे परिवार को अपना निशाना बनाया है। उसने मेरे और पापा के बीच दीवार खड़ी कर दी है संजना, और जब तक ये दीवार है मैं पापा से नहीं मिल सकता। और अब तुम मां, चलो अब है कुछ और बात करते हैं। नहीं संजना, अब मुझे राणा को पापा की नजरों में मुजरिम साबित करना ही है। लेकिन कैसे? नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं सच के साथ हूं और सच ही कोई राह निकालेगा। देवरायन आज हमारा मूड बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम भी बड़ा बन सवर करके बड़ी जच रही हो। अरे 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 छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? देखिए तो सही कौन बैठा है। चाय पियोगे तिवारी? जी नहीं नहीं आप। मुझे लगा उस दिन थाने में तुम्हारी चाय ना पीकर मैंने अच्छा नहीं किया, इसलिए चला आया। ठीक किया ना? अरे क्या भाई साहब, अब इसमें बेटी वाली क्या बात है, ये तो आप ही का घर है। क्यों जी? आप ही का घर है सर, जब मर्जी हो चले आइए। तो फिर ठीक है, आप दोनों लोग बतियाइए, हम चाय लेकर आते हैं। रुकिए भाभी, इन्हें चाय पीने से ज्यादा चाय पिलाने में मजा आता है। तो ठीक है ना, फिर हम यहीं आपके पास बैठकर बतियाते हैं। अरे नहीं भाई, हम कह रहे हैं हमें तलब लगी है ना, जाकर के चाय बना के लाओ ना। तो जा रहे हैं ना, आप धक्का काहे दे रहे हैं हमको? धक्का नहीं दे रहा है भाई, कह रहे हैं हमको तलब लगी है, जाओ ना भाई। ठीक है। तिवारी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना नौकरी और ना परिवार, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो कुछ पाने के लिए किस हद तक जा सकता है ये तो तुम अच्छी तरह से जानते होगे। बोलो तुम उनके लिए मरना चाहोगे या मेरा साथ देकर अपनी नौकरी बीवी बच्चों के लिए जीना? तुम
अरे यार, तुम्हारा हिसाब किताब तो हो गया था, तुम यहाँ क्यों आए हो? आया कहाँ हूँ सर, लाया गया हूँ, पिताजी लेके आए हैं। पिताजी? हाँ। तुम महेंद्र सिंह राणा के साथी और उसके बारे में क्या जानते हो? मैं राणा को नहीं जानता, वो कभी कभार पार्टियों में हम लोग। तू भी राणा के लिए काम करता है ना? बोल, बता राणा क्या क्या गलत काम कर रहा है, क्या इरादा उसका, क्या प्लानिंग है तुम्हारे आगे की? बोल, बता, बोल। बताता हूँ, आज ही वॉर मेमोरियल फंक्शन में कर्नल कृष्णकांत को मारने का प्लान है। हाँ तो सुनो। यस सर। गेट नंबर 5 पर इंस्पेक्टर धावे, तुम जाओ और दामोदर 7 नंबर पे जाओ। हेलो, कमिश्नर साहब को फोन दो। भैया कैसे हैं आप? अनु जल्दी बात करो, इट्स वेरी अर्जेंट। देती हूँ, पता नहीं आप दोनों का झगड़ा कब खत्म होगा। पापा, भैया। सर मैं एक्स एसीपी अभय प्रताप बोल रहा हूँ, मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली कि आज के फंक्शन में राणा और उसके आदमी ने कर्नल कृष्णकांत को मारने का प्लान बनाया है। सर प्लीज बी केयरफुल, इन्फॉर्मेशन एकदम सही है सर, मेरा यकीन कीजिए। हेलो 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 सर, क्या तुम लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ। पापा को अभी मुझ पर यकीन नहीं है। चौताला। यस सर। सर सुनो, एक बार दोबारा पूरी सिक्योरिटी चेक करो सर, जस्ट टू बी श्योर। फुल प्रूफ प्लान के मुताबिक हेलीपैड पर स्पेशल माइंस बिछा दी गई है। स्पीच करने के बाद कर्नल कृष्णकांत वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठेगा और जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा माइंस फट जाएंगी और कारगिल जंग का हीरो कर्नल कृष्णकांत बगैर लड़ाई शहीद हो जाएगा। मौत के रास्ते पर कर्नल कृष्णकांत का पहला कदम। Hi sir, pleasure to meet you. Thank you. Hi, please sir. Namaste. करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। यही जज्बा कारगिल में हमारे जवानों की रगों में लहू के साथ दौड़ रहा था। दुश्मन ने धोखे से हमारी पीठ पर वार किया, फिर भी हमने उन्हें बता दिया कि तुम जब भी आओगे हमारे हाथों पिट कर ही जाओगे। पता था कि सरहद पर शहीद होने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन हर शहीद की याद में पूरा देश रोया। वो आंसू हमारी सच्ची एकता का सबूत है। यूनिटी इसी तरह बनाई रखी, हमारी तरफ बुरी नजर से उठेगी, निकाल ली जाएगी। जो भी हाथ हमारे तिरंगे की तरफ बढ़ेगा काट दिया जाएगा। जय हिंद। जय हिंद।
प्रेयर फॉर द हेलीकॉप्टर टू टेक ऑफ। रुक जाइए सर। गेट इन क्विकली सर। हेलीपैड पे बाइस पीछे हुई है सर। हेलीपैड पे बम है सर। सर रुक जाइए। हटो निकलो। बता कमिश्नर साहब को। सारे के सारे माइंस हमने बिछाई थी और इस काम में महेंद्र सिंह राणा हमारी मदद करता है। गिरफ्तार करना सर। मिल गया सबूत, लेकिन अब भी मुझे आपका फैसला मालूम है। आप राणा को अरेस्ट करेंगे, मुकदमा चलेगा, कवा खरीदे और बेचे जाएंगे और आखिर में राणा निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। हमेशा सुनता आया हूं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन नहीं, कानून के हाथ अब बहुत छोटे हो चुके हैं। राणा जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कानून को बदलना पड़ेगा, उसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम उस दायरे में रहकर भी अपनी ड्यूटी निभा सके। लेकिन अब है